नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बंसल वन स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में विधायक रामेश्वर शर्मा ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया। झापे थे खबरदार न्यूज रिपोर्टर आशीष द्विवेदी के राम मंदिर पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने वहां कमलनाथ पर कड़ी आलोचना की और बताया कि कमलनाथ अब जब राम मंदिर बनने को है तब राम को याद कर रहे हैं। वे कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता चुनावी हिंदू हैं जिन्होंने पहले राम मंदिर का विरोध किया और अब वे इसे राष्ट्रीय धरोहर मान रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने खबरदार न्यूज प्रेस वार्ता में यह भी बताया कि कांग्रेस हमेशा अपनी राजनीति में झूठ और कपट को शामिल करती रही है। वे 1992 की घटनाओं का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि कमलनाथ उस समय बच्चे नहीं थे और वे जानते हैं कि उस समय कितने प्रदर्शन और हिंसा हुई थी। राम मंदिर के समर्थन में कई सरकारें गिरी थीं और अब जब मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस इसे भाजपा का मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर मान रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राम मंदिर मोदी सरकार की मेहनत का परिणाम है और राम सभी के हैं, सिर्फ भाजपा के नहीं। उत्तर प्रदेश की कमलनाथ जी के कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार थी और जिस सरकार ने भारत की सरकार ने 5 गवर्नमेंटों को गिराया उसमें शायद आप कैबिनेट में सदस्य भी थे, उस समय आप कैबिनेट के मंत्री भी थे। उसी कैबिनेट ने इन 5 सरकारों पर गिराया और जिनने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सर्वस्व निछावर किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर जब बैन लगा, विश्व हिंदू परिषद को बैन किया, अन्य हिंदू संगठनों पर बैन किया, साधु संतों की गिरफ्तारी की, तब आप कुछ बोले? तब आपने कहा कि नहीं, ये कैबिनेट का निर्णय गलत है, जो कार सेवकों ने किया मैं उसके साथ हूं? आपने तब बोला? नहीं बोला कमलनाथ जी, तब आप मौन थे और आप चाहते थे कि हिंदू संगठनों पर बैन हो, हिंदू संगठन और साधु संत जेल में जाएं, इनको सजा दिलाई जाए। और तो और, कांग्रेस यहां तक आगे बढ़ गई थी कि कांग्रेस ने अपने ही सदस्यों और सदन के अंदर यह भी कह दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे और साधु संतों ने यह कहा था कि बाबरी तो ढांचा टूट गया है, अब कांग्रेस की नस नस तोड़ देंगे पर अयोध्या की भूमि पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। ये घोषणा जब साधु संतों ने की, इसके बाद भी आप लगातार राम जन्मभूमि के बारे में बयानबाजी करते रहे। चलिए बताइए कमलनाथ जी, आप अयोध्या गए? आप अयोध्या गए श्रीमान जी कमलनाथ जी? सोनिया जी गई राजा राम के दर्शन करने? राहुल भैया गए? या फिरोज खान के परिवार का कोई सदस्य और कमलनाथ जी कौन सदस्य गया रामलला के दर्शन करने के लिए? जब राम का मंदिर भव्य बनने लगा है, हिंदुस्तान का हिंदू जगने लगा है, गाने ढोल मजीरे शादी ब्याह सब में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला जब चलने लगा है, तो आपको लगा कि अब तो बिना राम के काम नहीं होगा, तो चुनावी हिंदू ने भी करवट बदल ली और चुनावी हिंदू भी अब बोलने लगा है राम मंदिर तो राष्ट्रीय आस्था का प्रश्न। तो राष्ट्रीय आस्था थी तो पहले बनवा दिया होता, पहले बोल दिया होता। और अगर कांग्रेस इतनी ही दमदार हिंदू है और कांग्रेस के अंदर अगर सच्चा हिंदुत्व है तो बाबा विश्वनाथ क्या चले जाओ, ज्ञान व्यापी के सामने खड़े होकर घोषणा करो कि एक दिन ज्ञान व्यापी में भी शिवालय शंकर का भव्य मंदिर बनेगा। बताओ, हिंदू होने का परिचय दो। ना तो बलिदान देखा जा रहा है, ना राम जन्मभूमि के लिए जिंदे साधु संतों की कुर्बानी देखी जा रही। बनी हुई आस्था का जब महिमा मंडन हो रहा है तो उसको कांग्रेस चुनावी दाव लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू धर्म में आस्था भरोसा विश्वास रखने वाला कांग्रेस को जानता है कि इसकी नस नस बेईमान है, इसके रगों में बेईमानी का खून दौड़ रहा है। ये ना तो कभी ढंग से हिंदुस्तान की हो सकती, ना कभी ये राम की हो सकती, ना कभी ये कृष्ण की हो सकती, ना कभी ये महावीर की हो सकती, ना कभी ये गौतम बुद्ध की हो सकती, ना कभी ये गुरु नानक की हो सकती। ये तो मौका परस्त हैं, जिसका पल्ला भारी दिखता है
चुनाव में उधर की करवट लेने के षड्यंत्र रचते हैं। मैं कांग्रेस के कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि आपके दिन लग चुके हैं। मंदिर तो बनना था, बन गया, आगे भी जो मंदिर बनने थे, बनना है, वो बनेंगे। हिंदू सनातनी जग चुका है, आपको अब इस तरह के शब्द शोभा नहीं देता। और देश का हिंदू भी जान चुका है कि पूरी कांग्रेस इस समय चुनावी हिंदू हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना